हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी चैप्टर कक्षा 9वीं विषय गणित वार्षिक पेपर के लिए जो भी चैप्टर रह गए हैं कवर करने वाले हैं मात्र एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम अध्याय 6 देख लेते हैं। अध्याय 6 में से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर सब 2 अंक में न्यून कोण की परिभाषा, न्यून कोण कैसे कहते हैं, तो यह आपकी परिभाषा जो है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखा, इन सभी की परिभाषा आपको किताब में मिल जाएगी। जो आपकी NCERT बुक है उसमें आपको इनकी परिभाषा मिल जाएगी। तो आपको इनको अच्छे से पढ़कर जाना है, इनकी परिभाषा आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है 2 अंक के लिए आपको यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना है। संलग्न चित्र में x प्लस वाई के किस मान के लिए ABC एक रेखा होगी, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो ABC एक रेखा कब होगी, जब यहाँ पर इसका मान जो है कितना हो जाएगा, x और y का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई का मान एक्स प्लस वाई बराबर 180 होगा, क्योंकि ABC एक रेखा होने के लिए दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक बार देख कर जाना है। इसके बाद आपको इसको भी तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 2 जो दिया गया है कि कोणों 45 डिग्री, 64 डिग्री और 72 डिग्री वाले कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो कोई भी त्रिभुज नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि उक्त स्थिति में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है, 180 से ज़्यादा है, इसलिए इस प्रकार के कोई भी त्रिभुज नहीं खींचे जा सकते हैं जो 180 से अधिक हैं। इसके बाद जो है आपकी जो बुक में है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें। एक क्वेश्चन जो दिया गया कि x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड सिद्ध करने के लिए, और x और y के मान आपको ज्ञात करने को कहा जाए, बुक में दिए गए हैं, इसमें नहीं दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देख लेना, इस प्रकार से क्वेश्चन है। टाइम कम है इसलिए हम आपको समझा नहीं रहे हैं, केवल आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। इसको आप अच्छे से देख कर जाइए। इसके बाद यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि संलग्न चित्र में एक चित्र दिया गया है, कोण PQR बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। बहिष्कोण प्रमेय की सहायता से आपको एक त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय आप लगाएंगे और इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो अध्याय 6 से जो है 2 अंक का केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, परिभाषा में से एक क्वेश्चन और अथवा में से जो है प्रश्न में से बनाया जाएगा एक क्वेश्चन, तो आपको तैयार करना है। इसके बाद आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप अच्छे से देख कर जाइए, कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको भी आपको सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद जो है अध्याय 7 त्रिभुज, त्रिभुज में से जो है कुल जो है 3 अंक के यहाँ पर 5 अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक का केवल यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक में आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो 2 अंक का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा अध्याय 7 से। तो यहाँ से सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इस प्रकार से इन त्रिभुजों की आपको परिभाषा तैयार करना। जैसे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए, तो वे त्रिभुज जिनके समान आकार एवं समान माप होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आपसे सर्वांग समता का नियम पूछा जाएगा। जैसे पिछली साल जो है SSS सर्वांग समता, S क्या होती है यहाँ पर, साइड साइड मतलब भुजा, भुजा भुजा, सर्वांग समता नियम लिखिए। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसे SSS सर्वांग समता कहते हैं। तो आपको SSS सर्वांग समता की परिभाषा, SAS सर्वांग समता किसे कहते हैं इसकी परिभाषा, और ASA सर्वांग समता किसे कहते हैं इसकी परिभाषा, और RHS सर्वांग समता किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपको चारों प्रकार की जो सर्वांग समता की परिभाषा है इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बहुत ही सरल हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद जो है आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तीनों प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आंसर यही होगा और बहुत ही सरल है। टाइम कम है इसलिए हम आपको समझा नहीं रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया, इसको आप जरूर से सॉल्व करके जाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक दिया गया, बहुत ही सरल है, तो इसको आप एक बार सॉल्व करके जरूर जाइए। और यहाँ से जो है आपको इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 है, ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है। और दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना। इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करके जाइए, इनमें से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछा जाए। तो यहाँ से केवल 2 अंक का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो है अध्याय आठ से कुल 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक का एक छोटा सा प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक में विकल्प। तो 2 अंक का और 1 3 अंक का प्रश्न, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से जो है आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, कोण A बराबर 35 डिग्री है, तो कोण भी निर्धारित कीजिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से आंसर दिया गया सॉल्व कर सकते हैं, 2 अंक का छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ से जो है 3 अंक का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, या तो आयत के 3 गुण पूछे जाएंगे या फिर समांतर चतुर्भुज के कोई 3 गुण पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको आयत के 3 गुण अच्छे से तैयार करना है और समांतर चतुर्भुज के कोई भी 3 गुण आपको अच्छे से तैयार करना है। तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन है चतुर्भुज के कोई 4 प्रकार लिखिए और चित्र भी बनाइए। तो इस प्रकार से इनके चित्र आपको बनाकर देख लेना है और चारों प्रकारों के आपको नाम, जैसे समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान या बराबर हों तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको 2 त्रिभुज लेकर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस प्रकार से। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद जो है अध्याय नौ व्रत, इसमें से 4 अंक का एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और 2 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहले हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो इस अध्याय का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवा उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और यह 2 से 3 बार पूछा गया, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, जो कि 4 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि सिद्ध कीजिए कि जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड जो है जीवा पर लंब होता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाकर देख लेना है, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद थोड़ा सा इस तरफ दिया गया है, तो आपको यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, इस क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से यहाँ तक बहुत ही सरल है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करके जाइए। इसके बाद जो है अध्याय ग्यारह पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 अंक में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, 2 अंक का और 1 3 अंक का क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यदि आपको फार्मूला पता है अर्थात सूत्र यदि आपको याद है तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यदि आपको पता है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, तो आप आसानी से इसमें त्रिज्या का मान दिया गया, तो आर की जगह आप आर का मान 10 का वर्ग रखेंगे और वर्ग लगा देंगे, 3 जहाँ के तहाँ लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि पाई का मान रखिए, तो पाई का मान 3.14 आपको रखना है। नहीं कहा जाए तो आपको पाई का मान 22/7 रखना हो, आपको गुणा करना है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके बाद आगे दिया गया कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का आपको वक्र पृष्ठ
ज्ञात करना वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr² और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr². तो आप फार्मूला लगाएंगे, इसमें आपको केवल r के मान की ज़रूरत है अर्थात त्रिज्या की ज़रूरत है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है। तो 2 जाएंगे था पाई का मान आपको ध्यान रखना हमेशा 22/7 रखना है। और यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि पाई का मान इतना रखिए जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया था तभी आपको रखना है, नहीं तो आपको 22/7 रखना है। आर आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मान क्वेश्चन में 21 दिया गया, तो 21 का वर्ग आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा और इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा। इसके बाद आगे दिया गया है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दी गई है, 5.6 सेंटीमीटर दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है और 7 सेंटीमीटर दी गई है। आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4πr², तो आप 4 लिखेंगे, पाई की जगह पाई का मान 22/7 रखेंगे। सबसे पहले आप आर का मान 10.5 रखेंगे और वर्ग लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में आप 5.6 रखेंगे त्रिज्या का मान, तीसरे क्वेश्चन में 14 और चौथे क्वेश्चन में 7। इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर व्यास दिया गया, तो जो होता है व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। यदि त्रिज्या 4 है तो व्यास 8 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हमें गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², इसमें हमें त्रिज्या की ज़रूरत होती है, तो आप इसका आधा करेंगे। 14 का आधा कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या का मान कितना होगा, 7 होगा, 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला में आपको रख देना है 4π की जगह पाई का मान 22/7, 8 त्रिज्या का मान 14 का आधा होगा 7, तो 7 का वर्ग सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे का आंसर इस प्रकार से होगा, आप अच्छे से सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr(l). पाई की जगह 22/7 रखा मान, r त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिज्या ऊंचाई जो l का मान दिया गया है कितना, 10 दिया गया। सॉल्व करेंगे 220 वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करके देख लेना है। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन यह भी दिया गया है, इसमें भी आपको जो है शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3πr² होता है। कितना होता है, 1/3πr². इसकी सहायता से आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, त्रिज्या का मान रखेंगे और एच का मान रखेंगे। इसके बाद जो है अध्याय 12 सांख की, यहाँ से 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 अंक में वस्तुनिष्ठ, 3 अंक का एक क्वेश्चन। तो दंडालेख और आयतचित्र आपको सीख लेना है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। जैसे कि दिया गया है कि उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं, जैसे फल सब्जियों पर दैनिक खर्चा, प्रतिदिन बिजली की खपत। इसके बाद आपको जो है दंड आलेख बहुत ही सरल है। एक्स अक्ष में आपको मद को दर्शाना है, जैसे दिया गया भोजन, शिक्षा, कपड़े, मकान, किराया, अन्न बचत। और जो है आपको वाई अक्ष में यहाँ पर भोजन कितना है, 4000, तो यहाँ पर आपको दर्शाना है, 2500 पर मिलाना है, 1000 पर मिलाना है, 3500। इस प्रकार से बहुत ही सरल है। तो यहाँ से आपको दंडालेख सीखना है। इस प्रकार से इस तालिका का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार से आपको दंड आलेख बनाना है। जो भी एक सबसे पहले जो पहले यहाँ पर डिब्बे में यहाँ पर जो मद दिए गए हैं यहाँ पर आप लिखेंगे भोजन, शिक्षा, कपड़े, मकान, किराया, अन्य बचत। और यहाँ पर जो है आप 500 के गैप से यहाँ पर इन संख्याओं को बाई अक्ष पर बना सकते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 500 के गैप से आप बना सकते हैं 2500, 3000, 3500 और 4000। यहाँ पर व्यय दिए गए हैं रुपयों में, जैसे भोजन है तो भोजन कितना दिया गया यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। आपको तालिका देखकर बनाना है, मन से नहीं बनाना। जैसे जो भोजन दिया गया है 4000 दिया गया है, या व्यय रुपये में जो खर्चा दिया गया है, तो भोजन को आप कितने से मिलाएंगे, 4000 से। तो इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से यहाँ से मिलाएंगे। शिक्षा कितनी है, 2500, तो 2500 से आप मिलाएंगे, 25 को के सामने आप इस प्रकार से बनाएंगे। कपड़े 1000 हैं। इस प्रकार से आप दंड आलेख आपको अच्छे से सीख लेना है, बहुत ही सरल है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है दंड आलेख का,
इस प्रकार से कि एक राज्य की विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपको एक्स अक्ष में बनाना है, ए बी सी डी ई एफ, और जीती गई सीट है इसको आपको वाई अक्ष में बनाना है, और ए को आपको 75 से मिलाना है, बी को आप 55 से मिलाएंगे, सी को 37 से, डी को 29 से, ई को 10 से, और एफ को 37 से। इस प्रकार से आप आसानी से दंडालिक बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर दिया गया दंडालिक ए बी सी डी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ए को 75 से मिलाया, बिल्कुल 75, क्योंकि 75 70 और 80 के बीच में मिल जाएगा, तो इस प्रकार से इससे हमने मिलाया। बी यहाँ पर 55 है, तो 60 और 50 के बीच में मिल जाएगा, 10-10 के गैप से आप इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको जो है एक आयत चित्र अच्छे से सीख कर जाना है। आयत चित्र भी बहुत ही सरल है। आयत चित्र में दंडालिक और आयत चित्र में थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें जो है अलग अलग होता है, जैसे कि इसको अलग दर्शाया गया है, लेकिन इसमें कनेक्ट होता है। कनेक्ट कैसे होता है कि सबसे पहले इसको हमने एक्स अक्ष में लिया 0 से 20, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें भी जुड़े हुए हैं, और इसको हम एक्स अक्ष में दर्शाएंगे। विद्यार्थियों की संख्या वाई अक्ष में कितनी दी गई है, 8 दी गई है, तो 0 से हमने 1, 2, 3, 8 तक लिया, तो 0 से 20 कितना दर्शाना है, 5, तो 0 की लाइन को खींचेंगे और 20 की लाइन को खींचेंगे, कहाँ तक, 5 तक खींचेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, और इसको आपको भर देना है डिब्बे को इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप आसानी से आयत चित्र भी बना सकते हैं। एक दंडालिक पूछा जाएगा और इसके अथवा में जो है आयत चित्र पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप यदि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए, तो आप गणित विषय में अच्छे अंक ला सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।